नमस्कार। सवाल है सुजाता कर का। इन्होंने पूछा है कि ट्विन फ्लेम एक ही क्यों होते हैं और सोलमेट एक से ज्यादा क्यों होते हैं। तो चलिए ऐसा इसलिए है, बताती हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्विन फ्लेम एक मल्टी डायमेंशनल कनेक्शन है। इट्स अ कनेक्शन जो कि दोनों को सोल लेवल पर एनहेंस करता है और कनेक्ट करता है एक दूसरे से। तभी तो हम कहते हैं हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस का ये भी सवाल होता है कि विदाउट रीजन सैडनेस क्यों आ गई एंड क्राइंग, सैडनेस एंड क्राइंग क्यों हो रहा है, अजीब सी डाउन या लो क्यों फील कर रहे हैं। तो क्या ये डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी हम पिक कर रहे हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो समटाइम होता है। देखिए समटाइम डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आप पिक करते हैं, लेकिन जो फिजिकल पेन आपको हो रहा है वो ज़रूरी नहीं कि हर समय डिवाइन मस्कुलाइन की हो। कुछ कहते हैं कि हमारे बैक पेन में, लेग पेन में, हार्ट एक वगैरह ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि हार्ट चक्र से नीचे के जितने भी चक्र हैं वो आपको पेन में है, तकलीफ में है। एक्चुअली डिवाइन फेमिनिन एक इमोशनल आपकी अपनी एनर्जी है जो कि नेगेटिव एनर्जी आपकी बाहर निकल रही है। ये आपकी सोल पजिंग हो रही है, सोल पजिंग चल रही है। ट्विन फ्लेम भी ऐसा ही अपसेट या ड्रेन्ड फील कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, बट ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है। टैरो या एस्ट्रोलॉजी के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद। आगे और भी सवाल ले लेते हैं। अंकिता अली जी का भी सवाल है। उन्होंने पूछा है, उनका क्वेश्चन है कि ट्विन फ्लेम को ही एनर्जी बैलेंस क्यों करनी पड़ती है, सभी लोग क्यों नहीं एनर्जी बैलेंस कर लेते। देखिए किसी को पता ही नहीं है कि हम ट्विन फ्लेम है तो कैसे करेंगे। देखिए डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी सब में होती है, सब में होती है। इस पे नेक्स्ट मैं लेकर आऊंगी। सब इस तरह से एनर्जी में अवेकन कर भी सकते हैं, लेकिन वो अवेकन हो तभी तो, अवेकन होने के ऊपर बात है उनकी। उनकी भी अवेकनिंग अगर हो रही है, उनकी भी एनर्जी बैलेंसिंग हो रही है, तो इसके लिए उनको तब जाके वो काम करेंगे। लेकिन उनको ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा अगर वो काम कर रहे हैं इस तरह का। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं सीमा जी का। उन्होंने पूछा है कि ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग किस तरह से होती है, मतलब कि क्या ट्विन फ्लेम इस तरह से अवेकन होते हैं, क्या ट्विन फ्लेम से ही हमारी अवेकनिंग होती है? नहीं, इसका जवाब यह है कि कार्मिक से भी अवेकनिंग हो सकती है। स्वीटी पूछना चाहते हैं कि डिवोर्स होने वाला है या हो चुका है तो डीएम की मैरिज क्या मेरे से हो सकती है, कार्मिक लेसन क्या ख़त्म करके ही वो मेरे पास आएंगे? तो इसका आंसर है कि जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका इधर से डिवोर्स है, वो आपके अनमैरिड ट्विन फ्लेम है। तो कभी ना कभी डिवाइन की इच्छा से ये ज़रूर होगा कि, जिसे डिवाइन मिरेकल कहते हैं, ये ज़रूर होगा कि आप और वो हमेशा के लिए एक हो जाएं, ऐसा ज़रूर होगा। ये मेरी तरफ से भी आपकी ब्लेसिंग्स है और आशीर्वाद है। बाकी यही बात है कि सोल पजिंग हो रही है, हार्ट एक हो रहा है, बहुत लो फील कर रहा है, तो समटाइम फुल मून और न्यू मून इनकी भी एनर्जीज होती हैं, इनकी एनर्जीज आप कैच करते हैं। डिवाइन फेमिनाइंस अक्सर इमोशनल होती हैं, एम्पैथ होती हैं, ओवर गिविंग होती हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि डीएम की ही एनर्जी कैच कर रहे हैं, डीएम भी आपको उतने ही लेवल पर मिस कर रहे हैं, करते हैं, बट जितना ज़्यादा आप करते हैं उतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं, तो समटाइम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी कि और भी बातें, कि और क्लैरिटी आपको मिल जाए। अभी तक तो मैंने ये सोचा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाए। आपके भी कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसी बात से फिर मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।